पाकिस्तान जो है वो चीन से ले रहा है, तो इसका मुकाबला जो है वो भारत के लिए करना है। क्या ये JF-17 अपना राफेल का मुकाबला करेगा? बेकार तैयार है जी, पैसे हैं नहीं तो चीन से लिए हैं। अगर इनके पास पैसे होते, अगर इनकी इकोनॉमी ठीक होती और अगर इन्हें सूझबूझ होती तो ये जनाब राफेल तैयारे खरीदते। पहली बात तो यह है कि चाइना से जब भी कुछ चीजें ली जाती हैं तो दे आर नॉट दैट क्रेडिबल, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। राफेल जो है उसकी दैट हैज ए क्रेडिबिलिटी। नमस्कार दोस्तों, TNS न्यूज में आपका स्वागत है। तो आ जाए मैं एक और धमाकेदार न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तान की एक और बेवकूफी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान खरीद रहा है JF-17 फॉर इंडिया के जो राफेल है उसको मार गिराने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है, जो JF-17 फाइटर जेट है उसमें इतना दम नहीं कि वो फ्रांस से खरीदा हुआ राफेल को टक्कर दे यानी कि वो मात दे। और साथ ही साथ पाकिस्तानियों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान ने आज तक चाइना से जितने भी फाइटर जेट या डिफेंस की हथियार खरीदे हैं उनमें कुछ भी दम नहीं रहता। उनको खरीद कर पाकिस्तान को केवल आज तक नुकसान ही हुआ है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद। पाकिस्तान के अंदर इनकी शमूलियत हुई, पाकिस्तान फिजाइया के अंदर इंडियन मीडिया की बुखलाहट की वजह क्या है, क्या मामला है? नहीं, बुखलाहट रही है, वो प्रोपेगंडे का एक दायम बरकरार रहने वाला सिलसिला है। देखिए, उन्हें बहुत पहले सुनगुन मिल गई थी। अच्छा, बातचीत तो कई बरस से जारी थी ना, मगर ये कि वो ये बाज टेक्नोलॉजीज होती हैं कि मुल्क किसी को देने नहीं चाहते, दोस्त ममालिक को भी नहीं देना चाहते। ये तो जब उनकी लद्दाख में झड़प हुई तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया। एक बड़ी दिलचस्प बात वो कहते हैं, बेकार तैयार है जी, पैसे हैं नहीं तो चीन से लिए हैं। अगर इनके पास पैसे होते, अगर इनकी इकोनॉमी ठीक होती और अगर इन्हें सूझबूझ होती तो ये जनाब राफेल तैयारे खरीदते, फला फला खरीदते। राफेल से ये डेफिनेटली बेहतर है। क्या कंपैरिजन जरा करें, मैं अर्ज करता हूँ, बाज चीज़ों में राफेल बेहतर है। वो तो देखिए ना, हर तैयारे की, जैसे हर गाड़ी की अपनी नोयत होती है, कार अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। अच्छा, वो कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं। पाकिस्तान ने रिसेंटली अभी JNC जो कि चाइनीज एयरक्राफ्ट है उनको अपने स्क्वाड्रन में शामिल कर रहे हैं। और उधर से इंडिया ने, आपको पता है, राफेल जो कि उन्होंने फ्रांस से लिए थे वो उन्होंने काफी हद तक अपने स्क्वाड्रन में उसको डाल लिया है। लेकिन मैं देख रहा था कि पाकिस्तान की मीडिया मैनेजमेंट और इंडिया की मीडिया मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे ऐसे लगा कि जैसे पाकिस्तान चीजों को सीक्रेट रखता है या बड़े बाद में आके शो करने की कोशिश करता है, जबकि इंडिया जो है वो पूरा एक प्रॉपर मीडिया कंपेन करते हैं इस हवाले से। अगर ये देखा जाए कि ये जो JNC की बात हो रही है, तो इसको जब शेख रशीद साहब हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बड़े मशहूर इंटीरियर मिनिस्टर हैं और बड़े फनी भी हैं, मुख्तलिफ चीजों में आजकल परेशान रहते हैं क्योंकि उनको पता है उनकी पार्टी डिलीवर नहीं कर रही और वो मीडिया में नहीं थे। जब अपोजिशन में होते थे तो रोज शाम को बैठे होते थे, आजकल नहीं बैठते क्योंकि आजकल सवालों के जवाब मुश्किल होते हैं, हुकूमत में आना थोड़ा मुश्किल काम ही होता है। तो वो बार बार कह रहे थे चाइनीज JS-10 वाइल रादर सेइंग के जी चाइनीज JNC, तो वो बार बार JS-10 कह रहे थे। अब दूसरी तरफ देखे, जब आपको पता राफेल जो है उसको लेने की बात हुई तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग राजनाथ सिंह साहब खुद पेरिस गए थे और वहां पे उन्होंने बकायदा वो जो एक प्रॉपर होता है, आई थिंक वो उन्होंने कुछ तोड़ा भी था वो, उसको आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, खोपरा या कुछ, वो जो भी था वो तोड़ा और प्रॉपर एक वो रस्म की उन्होंने और लिए, और इंडियन मीडिया ने बड़ा उसको हाईलाइट किया जनाब कि बहुत बड़ी चीज आ गई है वो। कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ जो इंडिया की जो डॉग फाइट हुई जिसमें अभिनंदन का जहाज गिरा, दैट वाज अ ह्यूज चैलेंज फॉर इंडिया। देन चाइन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया को चाहिए थे जहाज, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी करनी थी। सो इंडिया ने जिस तरह उसको हाईलाइट किया, प्रोजेक्ट किया,
और वो एक जहरी बात है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अस। यहाँ पे पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि हम 23 मार्च की परेड में जो है J10C को इंक्लूड करेंगे, और जाहिर बात है कि इसमें जो J10C, इसमें पहली बार जो कहा जाता है कि जो J10C है ये आ, 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 इसकी इसको पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो तो इसको समझती नहीं है, और कोई बंदा इसका क्रेडिट भी नहीं लेता। इंडिया के अंदर आप देखिए डिफेंस इक्विपमेंट का हर पॉलिटिशियन क्रेडिट ले रहा होता है जो रूलिंग पार्टी है, और यहाँ पे अमूमन पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, खास करके PMLN वालों को मैं देख रहा था, वो कह रहे थे क्या जरूरत थी ये लेने की, हम JF-17 Thunder को और कुछ कर लेते, उसको थोड़ा अपग्रेड कर लेते तो हम उसको कर सकते थे। अब कहा यह जा रहा है कि 2019 से ये बातें चल रही थी कि पाकिस्तान ये जहाज खरीदेगा, और पाकिस्तान ये जहाज खरीदेगा, लेकिन अभी जो 23 मार्च को पाकिस्तान इसको अपने जो है वो इंक्लूड करेगा अपनी एयरफोर्स में, तो इसको जारी बात है कि आजकल ही में ये आने वाले हैं, जनवरी फरवरी में ये आ जाएंगे, और अगर फरवरी में मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये जहाज मिलते हैं, और सुनने में आ रहा है कि 36 जहाज आएंगे, जो कि 18 हथियारों पर मुश्किल 2 स्क्वाड्रन होंगे, और ये जो जारी बात है 23 मार्च को अगर पाकिस्तान के से पहले उन्होंने हमारे हवाले करने, और ये भी बात है कि जिस तरह इंडिया के अंदर वो है, आई थिंक वो भी बड़े पैमाने पे अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो पाकिस्तान ने भी इस दफा जो है वो रिपब्लिक डे को बड़े पैमाने पे मनाने का प्लान किया है, जिसमें कोई बाहर से डिग्निटीज वगैरह भी आएंगे। वो किस तरह के डिग्निटीज हैं अभी इस पर कोई वो नहीं चली, लेकिन इंडिया जो है वो अपनी मीडिया कंपेन बहुत ज्यादा चलाता है। जैसे इंडिया के अंदर जब ये JF-17 आ रहे थे, सॉरी राफेल आ रहे थे, तो पूरा इंडियन मीडिया विदाउट आई थिंक इवन पॉलिटिशियंस हो या ना हो उसको बड़ा हाईलाइट कर रहा था। जारी बात है फॉर चाइना फॉर पाकिस्तान एंड अबव ऑल वो जो एक नरेंद्र मोदी का एक है ना कि मैंने अपनी वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि इंडिया डिजर्व्ड मच बेटर, लेकिन हम वो नहीं कर सके, ये एक बेसिकली दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान कि इंडिया डिजर्व्स मच बेटर ग्लोबल स्टेटस एज कंपेयर टू हम ये माजी में जो है हम वो नहीं करने देंगे। बट एनी हाउ पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे खामोशी है, मीडिया भी क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है पहली बात तो ये है, और दूसरा जो डिफेंस के मैटर है उसके ऊपर कोई बोलता नहीं है। पॉलिटिशियंस आपको पता है वैसे डरे डरे रहते हैं, और बल्कि वो डिफेंस के मामलात में खामोशी इख्तियार करते हैं, जबकि इंडियन पॉलिटिशियन जो है वो इंडियन आर्मी का और जो वो करती है उसका एब्सोल्यूट क्रेडिट ले रहे होते हैं। ठीक है जी, ये मैंने एक जस्ट जस्ट सॉर्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन कि जब ये J10C आ भी जाएगा, ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे किसी की आवाज भी नहीं निकलेगी कि जनाब यहाँ पे लोग बोलेंगे नहीं और बात भी नहीं करेंगे, जबकि भारत में आप देखेंगे इसको कंप्लीटली डिफरेंट लाइन एंड लेंथ में लेके जाया जा रहा है। अभी ये बातें चल रही है कि राफेल का मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अब जाहिर बात है कि ये एक डिफरेंट सवाल है, लेकिन जारी